Hello guys, welcome back to my channel Education Mart. Myself Shilpa. So आज मैं अगेन कंटिन्यू कर रही हूँ पिवट टेबल का टॉपिक आप लोगों के साथ. सो पिवट टेबल में मैंने आपको सिंपल रिपोर्ट बनानी बताई है, ग्रुपिंग बताया है और सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. सो आज जो मैं शेयर कर रही हूँ, क्या हम पिवट टेबल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके फॉर्मुलेज लगा सकते हैं, सिंपल फॉर्मुलेज लगा सकते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहिए यस, हम लोग लगा सकते हैं पिवट टेबल में कैलकुलेशन. अगर मैं अपने प्योर डेटाबेस में कोई चेंज नहीं चाहती हूँ और अपनी पिवट टेबल के रिपोर्ट के बेस पे ही काम करना चाहती हूँ, लेट्स से आपको एक टास्क दिया जाए जिसमें आपके एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस है, उस एम्प्लॉयज की जो टोटल सेल है उनके बेस पे आपको इंसेंटिव इश्यू करना है. तो अगर आप रॉ डेटा देखें तो रॉ डेटा में तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उसमें अलग अलग उनका सेल होगा, ऑब्वियसली अलग अलग मंथ का, अलग अलग डे का. तो वहां आपको पिवट टेबल हेल्प करती है क्या, कंसोलिडेट समराइज रिपोर्ट बनाने में, जो कि आप बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं. बट लेकिन अगर मैं वही कहूं, उस कंसोलिडेट रिपोर्ट के बेस पे आपको उन्हें इंसेंटिव बताने हैं कि उन्होंने इस महीने का इंसेंटिव अर्न किया है या नहीं किया है. तो ये काम आप पिवट टेबल में कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से. तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आप पिवट टेबल में किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं. तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं पिवट टेबल के कैलकुलेशन की तरफ. तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डेटा है. इस डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट एन वी अपने प्रेस कीजिए पिवट टेबल की शॉर्टकट की, यहां से आप पिवट टेबल इंसर्ट कर लीजिए अपनी न्यू शीट पे. चलिए सबसे पहले एक थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं हम अपनी चीजों को कि लाइफ में एक सिंपल सी रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ कैसे. मुझे मेरे सेल्स चैनल के बेस पे क्वांटिटी देखनी है. तो गाइस आप क्या करते हैं, देखिए फटाफट से हम सेल्स चैनल को क्लिक कर देते हैं और अपनी क्वांटिटी को क्लिक कर देते हैं. हमारे सामने छोटी सी रिपोर्ट बन के आ गई है. अगर वही मैं अपने डेटाबेस की बात करूं तो आप देखिए जरा यहाँ पे ऑनलाइन डायरेक्ट कितनी बार है. हम यहाँ पे पहले तो टोटल निकालेंगे, टोटल के बाद वहां इसका फॉर्मूला लगाएंगे. तो जब हमारी रिपोर्ट यहाँ इमीडिएट आ चुकी है, अब इसी रिपोर्ट में मुझे कैलकुलेशंस करनी है. तो कैलकुलेशंस किस तरीके से की जाती हैं, चलिए अब वो बताते हैं. जब आप पिवट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, आप ऊपर पिवट एनालाइज टैब में जाइए. एनालाइज टैब में कैलकुलेशंस का आपको एक ग्रुप मिलेगा. यहाँ पे आपको मिलेगा फील्ड एंड आइटम सेट. देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेटेड फील्ड. कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब होता है एक और फील्ड इंसर्ट करना. जो ये मेरी आप देख रहे हैं ये सारी फील्ड्स ही हैं. तो यहाँ पे मैं एक और फील्ड इंसर्ट करना चाहती हूँ अपनी कैलकुलेशन के बेस पे. क्लिक कीजिए. क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स मिलेगा जो कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बता रही है. यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है नेम कि भाई नेम बताओ, आपको उसकी फील्ड का नेम क्या रखना है. लेट्स से मैं यहाँ कह रही हूँ मेरी फील्ड का नाम है इंसेंटिव, कि मुझे यहाँ पे एक इंसेंटिव का कॉलम बनाना है कि उसने इंसेंटिव इस महीने का अर्न है या नहीं. मुझे ऐसे एक इंसेंटिव का यहाँ पे कॉलम बनाना है और ये एक रिमार्क देना है. तो अब यहाँ बात करते हैं इंसेंटिव का क्राइटेरिया क्या है. इंसेंटिव का क्राइटेरिया क्या है कि जिसने 50,000 से 50,000 से ग्रेटर देन की सेल की हुई है उस चैनल को मुझे इंसेंटिव देना है. इट मीन इंसेंटिव अर्न, अदरवाइज नो इंसेंटिव इश्यू. तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाइए इफ. देखिए इफ की वीडियो भी आपको मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, बहुत सिंपल तरीके से इफ को एक्सप्लेन किया हुआ है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी होती है मेरा मेल आईडी भी आपको मिल जाएगा, कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो चलिए इसमें सबसे पहले हमसे क्या पूछता है, लॉजिक. तो देखिए यहाँ मेरा लॉजिक क्या है कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन मेरी 50,000. तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, क्वांटिटी को क्लिक कीजिए. यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा क्वांटिटी लिखा हुआ बहुत सिंपल तरीके से. हमें यहाँ क्या करना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना है और अपना क्राइटेरिया लिख देना है कुछ इस तरीके से कि क्वांटिटी ग्रेटर देन होनी चाहिए 50,000. अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले में लिखते थे वैल्यू इज ट्रू वैल्यू इज फॉल्स. तो अब यहाँ वैल्यू ट्रू के लिए हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि लाइक अगर यहाँ लिख दूं इंसेंटिव अर्न तो यहाँ पे ये मेरा नहीं लेगा इस तरीके से. हमें यहाँ ये काम नहीं करना. हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है 1,0. इट मीन्स 1 का हम क्या देंगे, ट्रू वैल्यू. कि इट मीन्स ये ट्रू है, ये मेरा फॉल्स है 0. तो हमने यहाँ पे सिंपल बता दिया कि 1 किसके ऊपर लिखा हुआ है,
वन आए जिसकी वैल्यू 50,000 से ग्रेटर देन है, और जीरो किसके लिए आए गाइस, जिसकी वैल्यू मेरी लेस देन 50 है। बस हमें अभी यहाँ पे इतना ही समझना है कि मेरी वन की वैल्यू ट्रू है, जीरो की वैल्यू फॉल्स है, और यहाँ आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एड करके ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ मेरी स्क्रीन पे कि जीरो और वन ऑटोमेटिक आ गया। उसने जीरो किसे दिया, जिसकी वैल्यू लेस देन 50 है, इट मीन्स फॉल्स, और जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है उसको उसने क्या दे दिया, वन। आप कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि अगर भाई जीरो लिखा हुआ है तो उसे मुझे क्या देना है, नो इंसेंटिव, एंड जिसकी वैल्यू वन है उसको मुझे देना है रिमार्क इंसेंटिव अर्न। सिंपली हमें ये काम करना है। तो चलिए अब ये काम कैसे करेंगे हम वो बताते हैं। तो चलिए हम यहाँ यूज करते हैं आप कैसे इसको चेंज करेंगे इस वैल्यू से जीरो और वन को। तो आपको कहाँ जाना है, नंबर फॉर्मेटिंग पे, होम टैब में आपको नंबर फॉर्मेटिंग मिलेगा, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पे जाके देखिए यहाँ पे कस्टम का आपको ऑप्शन मिलेगा। कस्टम के ऑप्शन पे ये जर्नल आता है, यहाँ पे जर्नल को डिलीट कर दीजिए कि जर्नल पैटर्न मतलब जीरो और वन ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। आप इसे क्या कीजिए, यहाँ पे डिलीट कीजिए। डिलीट में सबसे पहले क्या आता है, मेरा ट्रू वैल्यू, वैल्यू ट्रू आता है राइट लॉजिकल फंक्शन में। तो मुझे वैल्यू ट्रू के लिए क्या देना है, आप यहाँ टाइप कर दीजिए मुझे वैल्यू ट्रू के लिए वन वैल्यू के लिए क्या देना है, इंसेंटिव अर्न। ये क्या हो गई गाइस, मेरी इंसेंटिव अर्न किसकी वैल्यू हो गई, मेरी वन की, इट मीन वैल्यू इज ट्रू। अब इसके बाद यहाँ पे ये डॉट कॉमा आपको यहाँ पे मिलेगा, डॉट कॉमा का सिंबल अपने कीबोर्ड में एल लेटर, एल अल्फाबेट के साथ होता है बिल्कुल, सेमी कॉलम, सेमी कॉलम यहाँ पे लगाइए। सेमी कॉलम लगाने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में अपनी जीरो की वैल्यू लगाइए। जीरो की वैल्यू क्या है मेरी गाइस, नो इंसेंटिव। यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, वन की वैल्यू इसे दे दिया, जीरो की वैल्यू इसे दे दिया। तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया, मेरी इंसेंटिव अर्न वन की वैल्यू है, नो इंसेंटिव जीरो की वैल्यू, इट मीन वैल्यू इज ट्रू, वैल्यू इज फॉल्स। आप इसे बस ओके कर दीजिए। ओके करने से क्या होगा, अभी मेरा ये एक सेल है तो देखिए यहाँ एक सेल की वैल्यू ऑटोमेटिक मेरी कन्वर्ट हो गई। अगर यही मैंने पूरे को सेलेक्ट करके ये वैल्यू दिया होता, अगेन हम कस्टम में जाते हैं और नीचे देखिए यहाँ पे आपको अपना लगाया हुआ मिल गया दिस वन, तो यहाँ पे आप सारे सेल्स पे लगा देंगे तो देखिए ऑटोमेटिक मेरा आंसर आ गया है इंसेंटिव वन एंड नो इंसेंटिव। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वन और जीरो की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अगर आपको अपना फॉर्मूला मॉडिफाई करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, फील्ड एंड आइटम सेट, कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, इंसेंटिव पे क्लिक कीजिए, मैंने अभी इंसेंटिव लगाया था, यहाँ पे आपको अपना नेम चेंज करना है, आपको अपना फॉर्मूला कुछ एडिट करना है, तो मॉडिफाई पे क्लिक करके आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं और ओके प्रेस कर देंगे तो आपके चेंजेस भी हो जाएंगे। सो ये था आपका इस फॉर्मूला इन पिवट टेबल। तो इट इज अ वेरी सिंपल वे टू गिव सम फिल योर डेटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन इन पिवट टेबल। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि हम सिंपल इफ किस तरीके से अपनी पिवट टेबल में रिपोर्ट सेक्शन में यूज कर सकते हैं। मेरी वीडियोस गाइस आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल एजुकेशन मार्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले टाइम में मैं और पिवट टेबल रिलेटेड क्वेरीज और आपकी कैलकुलेशन पार्ट लेके आने वाली हूँ, सो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।